साथ अपनी बुक्स करवाने हो तो और रफ कॉपी पेन और पेंसिल बेटा साथ रखिए। अपनी बुक्स बेटा कारवाने उर्दू और रफ कॉपी पेन और पेंसिल बेटा अपने साथ रखिए। तुम्हें बेटा आज हम पढ़ेंगे नजम मेहनत, पेज नंबर 49। मामा पेज नंबर 49 करवानी उर्दू। आज हम नजम पढ़ेंगे मेहनत। जी पेज नंबर 49 नजम मेहनत शायर का तारुफ। अल्लामा इकबाल उर्दू शायरी की पहचान है। अल्लामा बच्चों के लिए कही गई उनकी नज़में हर दौर में ना सिर्फ मकबूल रही हैं बल्कि बच्चों की इस्लाह और रहनुमाई का जरिया भी बनी हैं। अल्लामा इकबाल बेटा हमारे कौमी शायर हैं और अल्लामा इकबाल जो हैं वो हमारी उर्दू शायरी की पहचान हैं। अल्लामा इकबाल की जो कौमी खिदमात हैं वो बेमिसाल हैं। अल्लामा इकबाल बेटे एक ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी ने बेटा मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा जो है उसको उभारा था। बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत नज़में लिखी हैं और हर दौर में उनकी नज़में ना सिर्फ मकबूल रही हैं बल्कि बच्चों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए भी वो रहनुमाई का भी जरिया बनी हैं। ये नज़म उनके मतरूका कलाम से मुंतखब करता है यानी उनका एक कलाम है उससे ये नज़म निकाली गई है। आप जानते हैं ना कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक हकीमुल उम्मत और मुफक्कर इस्लाम भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक हकीमुल उम्मत और मुफक्कर इस्लाम भी कहा जाता है। आप ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या क्या कहा जाता है अल्लामा इकबाल को? शायर मशरिक हकीमुल उम्मत और मुफक्कर इस्लाम। नज़म की तर्ज बनाकर मिलजुल कर कोर्स के अंदाज में पढ़िए। हदीस यानी एक हदीस मुबारक है अल कासिबु हबीबल्लाह। इसका तर्जमा है मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी जो लोग बहुत मेहनत करते हैं रोजी कमाते हैं तो वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। अब हम बाकायदा नज़म का आगाज करते हैं। वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा। इसी में है इज्जत खबरदार रहना बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना।
इसी से है आबाद नगरी जहाँ की, ये दुनिया में बुनियाद है हर मकान की। बड़ाई बशर को उसी से मिली है, निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है। बेटे यहाँ पे बड़ाई का मायने लिखिए, अजमत। बशर का मायने इंसान। बड़ाई का मायने अजमत, बशर का मायने इंसान, निकम्मी का मायने बेकार। अब जी इस इन अशार में शायर क्या कह रहे हैं, इन अशार में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि वही लोग दुनिया में इज्जत कमाते हैं और उनका नाम होता है जो दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, और जो लोग दुनिया में बेकार रहते हैं, निकम्मे रहते हैं, उनकी जमाने में ना ही कोई इज्जत करता है और ना ही उनका इस दुनिया में कोई मुकाम होता है। इस दुनिया में अगर हमने अपनी नगरी को आबाद करना है, यानी हमने अपने आप को आबाद करना है, अपना नाम पैदा करना है, तो सिर्फ उसकी बुनियाद एक यही है कि हम मेहनत करें। मेहनत में ही करने से ही इंसान को अजमत मिलती है, और जो मेहनत नहीं करता उसके लिए ये तमाम जिंदगी बेकार है। आगे है जी, जमाने में इज्जत हुकूमत यही है, बड़ी सबसे दुनिया में दौलत यही है। हकीकत जो मेहनत की पहचानते हैं, इसे कीमिया से सिवा जानते हैं। कीमिया का बेटे मायने लिखिए, तांबे वगैरह से सोना चांदी बनाना। तांबे वगैरह से सोना चांदी बनाना। सिवा का मायने है यहाँ पर ज्यादा। कोई बड़ की मेहनत से सोना नहीं है कि इस जर को चोरी का खटका नहीं है। जर का मायने है जी सोना। सोना यानी सोने वाला नहीं, सोना जिसको हम गोल्ड कहते हैं वो वाला, ठीक है। जर सोना यानी बहुत कीमती। खटका खौफ या धड़का। खटका का मायने खौफ या धड़का। जहां में अगर कीमिया है तो ये है, गरीबी के दुख की दवा है तो ये है। हाँ जी, इन अशार में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जमाने में इज्जत, इस दुनिया में इज्जत और मुकाम और हुक्मरानी भी यही है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी मेहनत से में ही पोशीदा है। जो लोग वाकई ही मेहनत करते हैं वो बड़े बड़े इनाम भी पाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं बेटा, वो मेहनत करके ही ये बड़े बड़े नाम और मुकाम पाते हैं। कोई बढ़ के मेहनत से सोना नहीं है कि इस जर को चोरी का खटका नहीं है। इन्हें बेटा एक ऐसी चीज है जिसको कोई चोर ना तो चुरा सकता है और ना ही हमें इसका कोई डर या खौफ होता है कि मेहनत करने से हमें जो कामयाबी हासिल होती है वो हमें किसी चीज से भी नहीं हासिल हो सकती। अगर हमने इस दुनिया में कामयाबी कमानी है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर ही हमें कामयाबी मिलनी है। और गरीबी के दुख की दवा से मुराद है, यानी जो गरीबी है अगर वो मेहनत करता है तो उसके दुख की, यानी उसकी गुर्बत उसका दुख है ना, तो उसकी दवा भी यही है कि वो मेहनत करेगा तो कामयाबी हासिल होगी और उसको हर चीज दुनिया की नेमत मिलेगी। किस तरह मिलेगी? मेहनत के जरिए। अब बेटा अगला पेज देखिए, पेज नंबर 50। हरी खेतियां जो नजर आ रही हैं, हमेशा मेहनत की दिखला रही हैं। नहीं करते दुनिया में नादान मेहनत, जो समझे तो सोने की है कान मेहनत। इसी से जमाने में दौलत बढ़ेगी, जो दौलत बढ़ेगी तो इज्जत बढ़ेगी। इन अशार में शायर अल्लामा इकबाल मुखातिब कर रहे हैं
अपने नौजवानों को और वो कह रही हैं कि आपको दुनिया में जो हरी हरी खेतियां नजर आती हैं ये सब क्या है? ये मेहनत जो है ये किसान की है। हरी हरी खेतियां ये जो आपको खेत लहलहाते हुए हरे और सरसब्ज नजर आते हैं सब किसान की मेहनत से ही नजर आते हैं। और जो दुनिया में नादान मेहनत से मुराद है कि जो बेवकूफ दुनिया में मेहनत नहीं करते वो इस दुनिया की दौलत को नहीं पा सकते। अगर आप इस दुनिया पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दौलत मेहनत से हासिल होती है और मेहनत से ही आप दौलत कमा सकते हैं और आपकी इज्जत और वकार में भी मेहनत से ही इजाफा हो सकता है। अगला शार देखिए, कोई इसको समझे तो अक्सीर है ये, बड़ा बन के रहने की तदबीर है ये। अक्सीर का मायने लिखिए, जल्द असर करने वाली दवा। अक्सीर का मायने जल्द असर करने वाली दवा। तदबीर का मायने लिखिए, गौर और फिक्र के बाद फैसला करना। तदबीर का मायने बेटा लिखिए, गौर और फिक्र के बाद फैसला करना। कोई इसको समझे तो अक्सीर है ये, बड़ा बन रहने की तदबीर है ये कल वो है, चलते हैं सब काम इसी से, निकलता है इंसान का नाम इसी से। जो मेहनत ना होती तिजारत ना होती, किसी कौम की शान और शौकत ना होती। सहारा हमारा तुम्हारा यही है, अंधेरे घरों का उजाला यही है। जी इन अशआर में शायर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि कोई बहुत ही जल्द असर करने वाली दवा क्या है? अगर आप किसी काम में बेटा हिस्सा लेते हैं तो काम को बेटा कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो उस काम का नतीजा आपको जल्द और अच्छा मिलेगा। और अगर किसी ने कोई बड़ा बनना है तो कोई बहुत गौर और फिक्र के बाद फैसला करना से मुराद, अगर किसी ने बड़ा बनना है तो बहुत गौर और फिक्र के बाद, यानी उसका आपका मेहनत का यही सिला मिलेगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर मेहनत ना होती तो तिजारत ना होती। तिजारत जो है बेटे इस तरह ही है कि एक जगह से दूसरी जगह ये कारोबार है। तिजारत में भी बेटा यही कहा गया है कि मेहनत के बल बोते पर ही ताजी जो तिजारत है वो कामयाब होती है। तिजारत करने में भी यानी कारोबार करने में भी क्या है, आपको बेटा मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी कौम की शान और शौकत जो है उसका इन्हिसार किस पर है? मेहनत पर है। जब वहाँ की कौम वहाँ के लोग मेहनत करेंगे तो कामयाबी पाएंगे। और अंधेरे घरों का उजाला भी यही है, यानी जो कौम या कोई घर मेहनत करेगा तो उनको बेटे यही से ही मेहनत करने से ही उस मेहनत का ही सिला मिलेगा। मेहनत का सिला कामयाबी में ही मिलेगा। बड़े काम की चीज है काम करना, जहाँ को इसी काम से राम करना। गडरियों को शहनशाही उसने दी है, कोलंबस को दुनिया नई उसने दी है। शहनशाही का बेटे मायने लिखिए, बादशाही या हुक्मरानी। कोलंबस बेटा वो एक सयाह था जिसने अमेरिका का रास्ता दरियाफ्त किया था। कोलंबस एक सयाह था जिसने अमेरिका का रास्ता दरियाफ्त किया था। अगले शेर में देखिए, खड़ा है ये संसार मेहनत की कल पर। संसार का मायने लिखिए दुनिया। ये सब कारखाना है इस कल के बल पर, बनाती है ये शहर नगरी बनो को। बनो बेटे इसमें है जंगलों। बनो का मायने है जंगलों। बसाती है उजड़ी हुई बस्तियों को, जो हाथों से अपना कमाया वो अच्छा, जो हो अपनी मेहनत का पैसा वो अच्छा। मेरी जान गाफिल ना मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। फरागत का मायने लिखिए आराम या इत्मीनान। इन अशआर में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो
बादशाह या हुक्मरान गुजरे हैं उन सब ने भी बहुत मेहनत करके ही ये मकाम और मर्तबा पाया है। और कोलंबस का बेटे इसमें नाम लिया गया है। कोलंबस जो है एक सैयाह था, उसने बेटा बहुत साल मेहनत की थी और उस मेहनत के नतीजे में बेटा उसको अमेरिका का रास्ता दरियाफ्त हुआ है। इस दुनिया का यानी जो भी इन्हेंसार है वो मेहनत की वजह से ही है। अगर इस दुनिया के तमाम कारखाने जो चल रहे हैं तो उन सब की कामयाबी का राज मेहनत के बल बूते पर है। ये जो शहरों के शहर आबाद हैं, इन अशआर में शायद कह रहे हैं शहरों के शहर जो आबाद हैं और जंगल और जो जंगल भी हैं उन सब को बेटे आबाद करने में क्या है, इसका हाथ है मेहनत का। मेहनत करके ही उजड़ी हुई बस्तियों को, यानी मेहनत करेंगे तो उजड़ी हुई भी जो बस्तियां हैं वो भी आबाद होंगी। और सच है कि जो हमने अपने हाथ से मेहनत से जो कमाया होता है हमें वो कमाई भी बहुत अच्छी लगती है और मेहनत के पैसे में बहुत ही बरकत भी है और वो बहुत अच्छा है। आखिर में लामा इकबाल इन अशआर में कह रहे हैं कि मेहनत से आपने कभी गाफिल नहीं रहना, हमेशा अगर आप आराम और सुकून की जिंदगी चाहते हैं तो आपने बेटा मेहनत से कभी जान नहीं चुरानी, हमेशा मेहनत को ही, मेहनत से ही तमाम काम करने हैं और मेहनत में ही आपकी कामयाबी जो है वो पोशीदा है। अब बेटा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सरगर्मियां आपकी बुक में लिखी हुई हैं। सबसे पहला बेटा आपका सवाल है नज़म का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। जिस तरह आपको बेटा स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपने इस तरह अपनी कॉपी में नज़म का नाम मेहनत और शायर अल्लामा इकबाल लिखना है। इस तरह आपने अपनी कॉपीज रेडी करनी है। नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है आपने। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, मैं इसको डिक्टेट भी करवा देती हूँ। सबसे पहले तो बेटा आपने कॉपी में अल्फाज मायनी लिखने हैं। अल्फाज मायनी के बाद नज़म का मरकजी ख्याल। इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने में ही कामयाबी है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत करने में ही कामयाबी है। फतमा लगाइए इसके बाद। अल्लाह ताला का फरमान है कि मेहनत कार अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला का फरमान है कि मेहनत कार अल्लाह का दोस्त है। आपने ये जो बेटे हदीस का ये जो तर्जमा है इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मेहनत कार अल्लाह का दोस्त है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। मेहनत करने वाला इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखरत में भी। मेहनत करने वाला इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखरत में भी। फतमा इसके बाद बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी बुक का एक सवाल है। ये सवाल नंबर दो है, इसका बेटा मैं आपको तशरीह बाद में डिक्टेट करवाती हूँ। आप सवाल नंबर तीन का ये रफ कॉपीज पर लिख लीजिए। मेहनत के कोई पांच समरात या फवायद तहरीर कीजिए। इस तरह आप इसकी हेडिंग डालेंगे मेहनत के समरात यानी मेहनत के फायदे। नंबर एक में आप लिखेंगे
मेहनत से रोजी कमाने वाला, अल्लाह का दोस्त है। नंबर दो पे लिखेंगे आप, मेहनत करने वाला कभी जलील और रुसवा नहीं होता। मेहनत करने वाला कभी जलील और रुसवा नहीं होता। नंबर तीन में आप लिखेंगे, मेहनत करने से अल्लाह ताला काम में बरकत डालता है। मेहनत करने से अल्लाह ताला काम में बरकत डालता है। नंबर चार, कामयाबी हमेशा मेहनतकार के कदम चूमती है। नंबर पांच, मेहनत करके कमाया हुआ पैसा जिसके हलाल होता है। मेहनत करके कमाया हुआ पैसा इसके हलाल होता है। अब जी आपको बेटा मैं बता रही हूँ नज़म का सवाल नंबर दो, पेज नंबर 51 पे देखिए। ये वाला क्वेश्चन आपकी अभी स्क्रीन पे ही है। इसके अलावा बेटे मैं सवाल नंबर दो आपको डिक्टेट करवाने लगी हूँ। सवाल नंबर दो है, नज़म के पहले और आखिरी शेर की तशरीह नज़म और शायर के हवाले के साथ लिखिए। आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा है, पहला शेर है, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा, इसी में है इज्जत खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। ये पहली जो बेटा चार लाइनें हैं, ये आपने बेटा अशार बुक से देखकर लिखने हैं। और बेटा जब आप ये लिख लेंगे अशार तो उसके बाद आपने नीचे मार्कर से लिखना है नज़म का नाम मेहनत, उसके बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे शायर अलामा इकबाल। जल्दी जल्दी बेटा आप लोग डिक्टेट कर लीजिए, मैं तशरीह डिक्टेट करवा रही हूँ आपको। इस नज़म में शायर ने हम सब बच्चों कौमा बड़ों कौमा बूढ़ों को बताया कि हमें दुनिया में अपना हर काम मेहनत से करना चाहिए। फातिमा, जो लोग दुनिया में मेहनत करते हैं वही लोग इज्जत और कामयाबियां पाते हैं। अगर हम दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे
और बेकार रहेंगे। तो हम नाकारा रह जाएंगे। और हम जब नाकाम रहेंगे तो सारी उम्र इसी दुख के साथ जिंदगी गुजार देंगे। अब जी बेटा आखिरी अशार की तशरीह शायर ने कहा है, आपके सवाल में है कि आखिरी शेर की तशरीह भी करनी है। आखिरी जो अशार है बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हाथों से अपना, आखिरी अशार देखिए, जो हाथों से अपने कमाया वो अच्छा, जो हो अपनी मेहनत का पैसा वो अच्छा, मेरी जान गाफिल ना मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। इसका बेटा आप इसी तरह ही लिखेंगे जिस तरह पहले शेर में, आपने पहले ये अशार लिखने हैं, उसके बाद नज़म का नाम मार्कर से और शायर का नाम भी मार्कर से, उसके बाद फिर तशरी की हेडिंग दीजिएगा, तशरी लिखिए। इस शेर में शायर अलामा इकबाल कह रहे हैं कि हमें अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। मेहनत से कमाए हुए पैसे की खुशी भी होती है और उसमें अल्लाह बरकत भी डालते हैं। खत्मा। इस शेर में शायर ने बताया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मेहनत के साथ कोशिश करते रहेंगे तो हमें कामयाबियां भी मिलेंगी और कामयाबियां मिलने के साथ हमारी जिंदगी में आराम और सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। और अगर हम ये नहीं मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा ये नशार की तशरीह थी। अब जी अपने बेटा बुक्स पे आइए, दोबारा देखिए पेज नंबर 51, सवाल नंबर 4, जो लोग मेहनत नहीं करते क्या नुकसानात उठाना पड़ते हैं, फहरिस्त बनाइए। इस सवाल का बेटे जवाब आप खुद लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके आपने इसमें अपने व्यूज लिखने हैं। आप क्या सोचते हैं कि मेहनत ना करने जो नहीं करते उन्हें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है? जैसे जो मेहनत नहीं करते उनके पास उनको कोई बुलाना नहीं पसंद करता, जो मेहनत नहीं करते उनके पास उनको अपने पास कोई बिठाना नहीं पसंद करता, और मेहनत करना जो मेहनत नहीं करते उन्हें अल्लाह भी नहीं पसंद करता। अगर एक तालिब इल्म सारा साल मेहनत नहीं करेगा तो वो कामयाब ही नहीं होगा। जो लोग मेहनत नहीं करते नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। इसके बाद बेटे आपकी बुक में है सवाल नंबर 6, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इनके आपने बेटा जुमले बनाने हैं कॉपी में। फिर आपका सवाल नंबर 7 देखिए, या अपनी बुक्स पे ही हम काफी अल्फाज लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे। जल्दी से बेटा लिख लीजिए हम काफी अल्फाज। इज्जत से क्या बनेगा, जिल्लत लज्जत जरूरत माजरत मेहनत हसरत। खबरदार से इज्जतदार हवालदार शानदार खुशबूदार ईमानदार। उसके बाद है जी कारखाना बावर्ची खाना कुतुब खाना
दवाखाना, तहखाना, डाकखाना। बेटे अब आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क आ जाएगा और आपको व्हाट्सएप के जरिए भी मिल जाएगा। और अपने हैंड रेज बेटा वो आइकन से आइकन को दबाइए, हैंड रेज वाला ऑप्शन। और बेटे कोई भी सवाल आपने पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा पूछिए। टीचर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पहले और आपके शेर की तशरीह करनी है। टीचर हम अपने से भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके और बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मैंने आपसे मीनिंग पूछनी थी। बेटे मीनिंग तो ये पेज नंबर 50 पे सब लिखे भी हुए हैं। टीचर हकीमुल अलामात और फकर इस्लाम के। हकीमुल उम्मत बेटे वो अलामा इकबाल को बेटे वो मिला था कौम की तरफ से किताब मिला था। किताब है ये अम्बी मुफक्किरे इस्लाम, यानी वो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सोचते थे, मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। जी बेटा। हेलो टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये जो है ये YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। टीचर अगर आप मुझे इसका भेज दें YouTube पर कि ये कहाँ आएगा, क्योंकि मैंने तशरीह जो है ना वो तशरीह नहीं लिखी हुई, मैंने मार्क कर ली है। बेटे YouTube पे आपका वो जो पेज है स्कूल का उसको खोलिए, एपेक्स ग्रामर स्कूल, तो उस पे बेटा वो डेली बेसिस पे तमाम लेक्चर्स उस पे अपलोड हो रहे हैं। आप पहले अपना वो पेज सब्सक्राइब कर लीजिए ना, चैनल सब्सक्राइब करें YouTube पे एपेक्स ग्रामर स्कूल। एनी मोर क्वेश्चन? का पैटर्न लिख के देंगे? जी बेटा तशरी का पैटर्न आप सेंड कर देंगे? तशरी का पैटर्न बेटे मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने तशरी का पैटर्न सेंड किया था, उसका बेटे यही पैटर्न है। पहले आप शेर लिखेंगे, शेर लिखने के बाद शेर आपने मार्कर से लिखना है, फिर आप नीचे मार्कर से लिखेंगे नज़म का नाम और उसके आगे दो डॉट डाल के आप बेटे उसका नज़म का नाम जैसे मेहनत है मेहनत आप पेन से लिखेंगे, फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे शायर का नाम वो भी मार्कर से दो डॉट डालिए आगे, और शायर इसके अलामा इकबाल है अलामा इकबाल आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वन लाइन लीव करके नीचे तशरी की हेडिंग करके तशरी कर दीजिए। सिंपल बेटे इसका तरीका है। एनी मोर क्वेश्चन? अमना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कारखाने का हम काफिया अल्फाज बता देंगी? कारखाने का बेटे मैं स्क्रीन पे आपको लिख देती हूँ, आपको दोबारा शेयर स्क्रीन कर देती हूँ, आप उससे लिख लीजिए, ठीक है? ठीक है। जी शो हो गया आपको? जी चलिए ये लिख लीजिए आप। एनी मोर क्वेश्चन? तहखाना लिखा हुआ है, तहखाना डाकखाना, ठीक है जी बेटा।
एनी मोर क्वेश्चन? आपके बेटा होमवर्क में जी एक होमवर्क भी है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है, इस उनवान पर आपने मजमून भी लिखना है। जी बोलिए टीचर, अब हमने ब्लैक पॉइंटर नहीं यूज करना, ये वाला पेन यूज करना है। आपने बेटा मेहनत कामयाबी की कुंजी है पर एक मजमून भी लिखना है, आपके होमवर्क में वो मेंशन है। हरिया बेटे 2 मिनट्स आर लेफ्ट, और किसी ने कोई क्वेश्चन? नज़म से वो शेर चुनकर अपने कॉपी में खुशखत लिखे जिनमें लफ्ज मेहनत इस्तेमाल हुआ, वह ये नहीं करना। सरगर्मियों के अंदर ये 5वां सवाल है जी, कर लीजिए। हाँ जी कर लीजिए, ये भी सवाल आप वो बेटा होमवर्क देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम सरगर्मियों वाले सवाल आप करने हैं, ठीक है? टीचर हम जुमले बनाएंगे। हाँ जी बनाने हैं, जुमले भी बनाने हैं। तमाम बेटे ये बुक वर्क है ना, ये तमाम वर्क आपने कॉपी पे करना है, ठीक है? और ये जो इसका मजमून है मेहनत कामयाबी की कुंजी है और हम काफिया अल्फाज, ये आपने जो बी कॉपी का पोर्शन बनाया हुआ है ना, कॉपी का बी वाला पोर्शन, उसमें ये करना है, ठीक है? हम काफिया अल्फाज ये बी वाली साइड पे करना है। एनी मोर क्वेश्चन? ओके जी बेटा, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और काम बहुत खूबसूरती के साथ कॉपी में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यस बेटा, जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें भी क्या यही मार्क यूज करना है? बेटा जी आप अपनी टीचर से पूछ लीजिए, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में आपने यही करना होगा, ठीक है? ओके थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।